सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विज्ञान का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है अंगा तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महागगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महागगन को छूले हम। इतना बने महागगन को छूले हम। तुम्हीं से है हाँ सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। मान्य अध्यापकगण और प्यारे बच्चे, ये सितंबर 14 हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन से लेकर एक हफ्ते हिंदी पखवाड़े भी मनाए जाते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम हिंदी की श्रेष्ठता के लिए कुछ प्रयास करें। हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जो घोषणा की है, इसी से हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का मनाने का यह शुभारम्भ किया था। और इस आधुनिक युग में हमें पता चलता है कि हम तो इस महामारी के समय में सारे अध्यापक गण और ये बच्चे लोग अपने अपने दर्जे में और इस समय पर इसका कमाल दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन प्रयुक्तों का। और ये ऑनलाइन प्रयुक्तों में इसके हिंदी भाषा का प्रयोग भी दिखाई पड़ते हैं। चाहे ये इस समय भाषा की सीमाएं तो टूट गया और हमने इस सीमाओं को, ये भाषा की इतनी भारी हरकतों को हमने फीका पड़ा दिया है, क्योंकि ऑनलाइन के आरंभ से और इसे भी पहले हम हिंदी को मिलजुल कर अन्य भाषाओं में भी प्रयोग कर रहे थे। और हिंदी भाषा की श्रेष्ठता है कि किसी भी भाषा में इसको समन्वय किया जा रहा है या किया जा सकता है और आसानी से समझ में पड़ जाते हैं। तो इस समय हमें यह फ़ायदा मिलाते हैं कि हिंदी से मेल जोल कर ही सब कुछ कर सकते हैं, चाहे जितनी भी भाषा या युवा पीढ़ी के लोगों की जानकारी में हो, इसी के साथ ही हिंदी भी
मेल जोल कर इसका संबंध या कनेक्शन या कनेक्टर होते ही रहते हैं। या विशेषतः भारत देश में किसी भी गांव में या किसी भी सिटी में किसी भी देश प्रदेश में हम चले जा रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग से ही सारे कामकाज हमें उठा ले सकता है। तो इसी की मुलाकात से हमेशा हिंदी के प्रयोग जिस अवसर पर हमें पा सकते हैं इसमें खुशी होते हैं, क्योंकि इतना ही सादगी से सरल से हिंदी भाषा सिखाई जाती है, उसका प्रयोग भी होते हैं और मनोरंजन के स्तर पर भी इसका स्थिति श्रेष्ठता इतना ही ऊंचाई पर है। सो हर स्तर पर हिंदी भाषा की श्रेष्ठता पर बल देते हुए इसकी सारी आमंत्रित इच्छाओं को घोषित करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम भी हम एक साथ हिंदी भाषा की श्रेष्ठता के लिए इसका प्रयोग करें और इसकी सारी शुभकामनाएँ शिष्य स्तर पर हिंदी अध्यापकों को बच्चों को देते हुए। अक्षर अक्षर हमें सिखाती, शब्द शब्द का अर्थ बताती, कभी प्यार से कभी दर्द से जीवन जीना हमें सिखाते। सबको मेरी हिंदी दूसरे की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विघ्नेश सचिन, आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सिस्टर मरियज, प्रिय अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे प्रिय मित्र, सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला, इसलिए हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है। हमारे देश के अधिकांश लोगों की भाषा हिंदी है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। उसी तरह हमारे स्कूल में भी हिंदी समारोह का आयोजन किया जाता है, उसमें छात्रों को भाग लेने के लिए कथा लेखन, कविता गायन, भाषण आदि प्रतियोगिताएं भी है। उसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। हिंदी हृदय की भाषा है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पूरे देश को एकता का सूत्र में बांध देती है। हिंदी हमारा शान है। सबको एक बार फिर हिंदी दिवस की बधाइयां देते हुए मैं यह भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय प्रधान अध्यापक जी, अध्यापिकों, मेरे प्रिय साथियों, मैं एमए चकपन में आपके सामने एक कविता प्रस्तुत किया जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बारिश। बारिश। बरका आई डाल डाल फैराली जाए, बरका आई डाल डाल फैराली जाए, काले काले बादल आए उमड़ उमड़ कर न परछाए, बिजली चमचम चमक दिखाए, बिजली चमचम चमक दिखाए, डाल डाल फैराली जाए, पद पद पर खुशियों आई, शीतल नदियों जल पर लाई, शीतल नदियों जल पर लाई। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकों एवं मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और हर वर्ष हम भारतवासी इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी केवल राष्ट्रभाषा ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की गर्व और पहचान है। हिंदी हमारे
भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों, अवसाद से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कार और संस्कृति की प्रतिबिंब है। यह भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और एकता का प्रतीक है। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और अब कोरोना के दौरान लोग हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते कहते हैं। क्या आपको पता है गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भले ही आज स्कूलों में सारे पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में होती है, परंतु एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को जाने और दिल से अपनाए। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हिंदी के विकास में हमारी ओर से पूरे प्रयास करेंगे और जितना हो सके शुद्ध और स्पष्ट हिंदी भाषा की प्रयोग करें। जय हिंद, जय हिंदी। शर्म ही शक्ति है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी पर हमें गर्व है। आज ने हिंदी दिवस आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती। अब सबको सादर प्रणाम। सिंध देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनी है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनी है। मुगुड़ राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहनी है। पढ़ी वही जोड़ के, सुनी वही जोल के। पढ़ी वही जोड़ के, सुनी वही जोल के।
ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन मन के हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी दिवस पर भाषण देने जा रही हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस मनाने जाता है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सामान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। भारत के 17% से अधिक लोग हिंदी से समझाते और बोलते हैं। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता लेकर आई हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। सरल शब्द में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत का मान है हिंदी। धन्यवाद। वह कौन सा मुख है जो सुबह से लेकर शाम तक आसमान की ओर देखता रहता है? उत्तर है सूरजमुखी। ये सी क्या चीज है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है, सो जाने पर गिर जाती है? उत्तर पलगे। फल नहीं तो फल कहाओ, नमक मिर्ची से संग सुहाओ, खाने वाले के सेहत बढ़ाओ, सीधा माया का याद दिलाओ। उत्तर है सीधा फल। ऐसी क्या चीज है जिसके पास एक चेहरा है, दो हाथ है मगर टांगे नहीं है? ऐसी क्या चीज है जिसके पास एक चेहरा है, दो हाथ है मगर टांगे नहीं है? उत्तर घड़ी। उत्तर घड़ी। कमर बांधे घर में रहती, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, बताओ क्या? उत्तर झाड़ू। भाषा है। हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी हमारी शान है, देश की अभिमान है। हिंदी हमारी ताकत है। हिंदी हमारी
हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद। धन्यवाद। भारत के लोग मेहनती लोग हैं। जो लोग मेहनती होते हैं, वे लोग काम सरलता से कर लाते हैं। यही बात मेहनत का दल नामक कविता में कवि सुरेश सलील बच्चों को बताना चाहते हैं। तन को अति नाधो आरा, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। दक जाओ झुक चलते चलते, या फिर मेहनत करते करते, पल भर को कर लो विश्राम, लेकिन कभी न भूलो काम। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे तो भारत में कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन इसके बारे में कई लोगों को जानकारी थोड़े कम होते हैं। तो आप अपने हिंदी की जानकारी टेस्ट कीजिए और दीजिए इन सवालों के जवाब। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा। कलम के सिपाही कौन है? मुंशी प्रेमचंद। भारत के शेक्सपियर किसे कहा गया है? कालिदास। हिंदी विषय में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? सुमित्रानंदन पर। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती है? भारत।